अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप? मेरी दिल से दुआ है आप जहाँ रहें आबाद रहें, शाद रहें, आमीन। और आज फिर से डेली व्लॉग का आगाज़ किया है, और ये व्लॉग तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि हॉस्पिटल का ही होगा, क्योंकि मैं सुबह का टाइम है और तैयार हो चुकी हूँ, हॉस्पिटल जा रही हूँ, और जो सारी रूटीन होगी हॉस्पिटल के अंदर की वो आपके साथ शेयर करूँगी। और आप प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए दुआ करें कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। ये जी बेटी रेडी हो रही है, क्योंकि इसके स्कूल में आज पार्टी है, और इसको बस तैयार करा के स्कूल भेजना है, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने इस्लामाबाद जाना है अम्मी के पास। और ये जी मैं भी इस्लामाबाद के लिए निकल आई हूँ, गाड़ी में बैठी हूँ। बड़ी अच्छी आज धूप थी और मौसम बहुत ही अच्छा था। ये जी सारा जो है रास्ते में मार्गला रोड की मैंने पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का के पास हागिम भी हूँ, और आज उनको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के डिस्चार्ज कर देना है, और घर उनको ले जाएंगे, और अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और पूरी एफर्ट होगी हमारी तो कि हम मेरी अम्मी जो है बिल्कुल ठीक हो जाए। भाभी भी बहुत अच्छी है मेरी, मैं और भाभी और बड़ी बहन मिलकर उनको चलाएँगे, कि इतने दिन से वो बेड पर हैं तो आप जिसम जो है काफ़ी ज़्यादा जुड़ जाता है, और वो एज भी ऐसी है कि वो इतनी जल्दी ठीक भी नहीं हो सकती। लेकिन आप लोग जो मेरा व्लॉग देखेंगे, आप प्लीज़ मेरी मम्मी के लिए दुआ करें कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं, और अपने पैरों पर खुद चल के अपने सारे काम करें। बस यहाँ से बेड डिस्चार्ज हुआ है तो बस फिर घर गए। ये रास्ते का सारा व्यू है वापसी का इस्लामाबाद का। मुझे लगता है कि आज सारा मैंने ट्रैवलिंग का ही व्लॉग बनाया है। हाँ ले ले दे, ले ले दे, हाँ। अभी मैं फार्म हाउस इतने महंगे अब तो ये फार्म हाउस है। मैंने अंबर को भी ये दिखाया था, इतना से पूछा नहीं, अब पूछूंगी अम्मी की वजह से। मैं बिजी थी ना, बीमार शिमार ही रहते हैं वो भी, वो उससे अपने हाथ में भी थोड़ा सा बीमार था, फिर बीच में बिल्कुल ही नहीं बात हो सकी। ये जी मेरे घर में पहुँची है कि बात इतना छोटा सा ब्लॉग बनाए, कोई इतना बड़ा ब्लॉग भी नहीं बनाया। यही उतारते हैं।
पहल तुझे देखा तो दिल मेरा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, छोटा सा बना, इतना बड़ा नहीं बना, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।